वो जो है तो उस जिसपेकूब ज लिप सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ब नैन दिल वन दैपी न्यू ईयर आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे जो आपके टारगेट हैं जो आप करना चाह रहे हैं वो सब आपको मिले अच्छी सेहत हो क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है तो आपकी अच्छी सेहत रहे आपको बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर या जो पुराने हैं जब उनसे कन्वर्सेशन होती है चाहे मिस है या मदाम है एक सवाल बार बार घूम फिर के बार बार बहुत बार आता है मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम मुझे फ्रेंच इतनी नहीं आती क्या मैं फ़्रेंच कोड क्लियर कर सकता हूँ पैमी का उसके तो फ्रेंच आनी बहुत ज़रूरी है या मैडम मेरी ये सिचुएशन है मैं हाउस वाइफ हूँ या मैडम मैं काम करता हूँ लेकिन अपने लोगों के साथ काम करता हूँ तो मुझे फ्रेंच आती है लेकिन इतनी नहीं आती मुझे नेशनलिटी अप्लाई करनी है दस साल का कार्ड अप्लाई करना है तो क्या मैं फ़्रेंच सीख सकता हूँ मुझे कितना टाइम लगेगा क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं ये सब सवालों के जवाब देने के लिए मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है ये है सक्सेस सीरीज़ सक्सेस सीरीज़ ये है उन लोगों की जो आपकी तरह यहाँ पे फ्रांस में आए हैं जिन्होंने अपनी कंट्री में उर्दू या हिंदी सीखी है या पंजाबी सीखी है और फ्रेंच उनको नहीं आती थी जिन्होंने यहाँ पे आके फ़्रेंच की है या वहाँ से फ्रांसेस फ्रेंच से सीख कर आए हैं यहाँ पे आके वो कामयाब हुए हैं या उन्होंने ज़ीरो से सब कुछ शुरू किया है तो ये जो सक्सेस सीरीज है इसको मैं रेगुलर अपडेट करती रहूँगी ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है कैसे बनाया है उसके बारे में बताऊँगी तो आज की जो पहली सक्सेस स्टोरी है वो मैं शुरू करती हूँ एक मिश्र से इनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ इनको फ्रांस में तीन साल हुए हैं और इनकी जो एज है इस टाइम वो है उनतीस साल ट्वेंटी नाइन ईयर्स ओल्ड इन्होंने यहाँ पे आके जब अपने पेपर अप्लाई किए थे तो इन्होंने ओफी के साथ फ्रेंच सीखी और इनका फ्रेंच का लेवल जो इस टाइम आज है वो है ए वन बेसिक लेवल इन्होंने 2021 में, में मेरा कोड का कोर्स किया पार्ट वन और पार्ट टू पिछले साल और साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ कोर्स करते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरा कोर्स तो करें साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहें ऑनलाइन तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अपना फाइल बनाई नॉर्मल जैसे हो तो एक कॉल में बनती है इन्होंने ऑनलाइन आश्ते किया इन मतलब वो आईडी पासवर्ड जिससे ये ऑनलाइन घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन्होंने मेरे दोनों कोर्स पिछले साल के किए अकेले बैठ के इन्होंने तीन महीने हर रोज़ प्रैक्टिस की कोर्स तो किया उससे बहुत कुछ पता चला लेकिन इन्होंने खुद भी प्रैक्टिस की रोज़ एक सियाही कर ली दो कर ली जब भी इनको फ्री टाइम मिला ये रोज़ कुछ ना कुछ करते रहे इन्होंने एग्जाम दिया पंद्रह दिसंबर दो हजार इक्कीस को चार बजे ये रहते हैं टूलूस में इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन उन्हें हाइड की हुई है इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया इनके मार्क्स आए हैं थोन्स आपको पता है आप मैक्सिमम पांच गलतियां कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं अगर आपके पैंतीस भी आ जाते हैं तो आप पास हैं लेकिन अगर आपके थर्टी फोर आ जाते हैं तो आप फेल हैं तो इन्होंने एग्जाम क्लियर किया फमीबे इन्होंने क्लियर कर लिए और इनका जो गैजुलता आया वो था फ़ो अब मतलब पास हो गई है तो ये इनकी केस स्टडी थी रिज़ल्ट तो आपने देख लिया और यहाँ पे जिन जिन थीम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते हैं कहाँ पे इन्होंने क्या गलती की है ये यह यहाँ पे लिखा हुआ है एक और बात है जो ये आप सबसे शेयर करना चाहते हैं अपने बेस पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो वो मैं आपको बताऊंगी आपने इनका रिज़ल्ट तो देख लिया इन्होंने एग्जाम पहले पोस्ट ऑफिस के साथ दिया फिर इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर्द वालों के साथ दिया वहाँ भी पास नहीं हुए फिर इन्होंने एस जी एस कर्द वालों के साथ भी दिया फिर भी ये पास नहीं हुए फिर इन्होंने ये जो डिस्कवर किया है ये चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँ कद एंड गो इनको लगता है इनके हिसाब से कि जो मैं कोर्स में करवाती हूँ उसमें काफ़ी सवाल हैं मिलते जुलते कद एंड गो के साथ

आठ बार इन्होंने पेपर दिया हर बार इन्होंने तीस यूरो पे किए टोटल इनके बन गए दो सौ चालीस योरों प्लस क्योंकि इन्होंने घर बैठे प्रैक्टिस की तो इन्होंने ऑप्शन ली थी ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की तो चालीस यूरो लगते हैं मैक्सीम तीस भी लग सकते हैं मैंने मैक्सिमम चालीस लिखे हैं चालीस ले लें उससे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इनके टोटल दो सौ चालीस प्लस चालीस दो सौ अस्सी योरों लगे दो सौ अस्सी योरों में इन्होंने अपना कोड क्लियर कर लिया जो लोग कोड खरीदने का सोचते हैं मुझे मार्केट का एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता महंगा भी होता है सस्ता भी होता है लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स से इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसमें यह कि पाँच सौ योर तो लग ही जाते हैं कोड खरीदने के मिनिमम और इसमें नुकसान क्या होता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर देखा है आपके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है क्योंकि आपने कोड सही तरीके से सीख के नहीं किया किसी से ख़रीदा है या इलीगल तरीके से किया है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता और ये कॉन्फिडेंस जो नहीं होता वो ड्राइविंग करते हुए दिखाई देता है कि मैंने बहुत बार सुना है लोगों को आ, मैं ड्राइविंग में मैं चीज़ों का पता नहीं चलता क्योंकि मैंने कौन सा कोड किया है तो इसलिए पेपर जब आने वाला होता है ड्राइविंग का उनके अंदर डर होता है कि मैंने कोड नहीं किया हो सकता है कि मैं गलती कर लूँ मैं पास ना कर पाऊँ क्योंकि ड्राइविंग आप खरीद नहीं सकते ड्राइविंग का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा तो एक तो आपके पाँच सौ लगते हैं प्लस आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता और आपके अंदर डर होता है जब आप ड्राइविंग का पेपर देने जाते हैं ये सब मैंने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बता रही हूँ तो फायदा यही होगा कि आप घर बैठे प्रैक्टिस करें अपना टाइम ले लें इन वी फॉर एग्जाम दिया हो सकता है आप छह बार दें हो सकता है आप दस बार दें डिपेंड है कुछ भी हो जाए आप जितनी बार मर्जी दें आपका पांच सौ का बिल चांसेस बहुत कम है कि आए आपको सस्ता ही पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इन मिस्ट्रियो का लेवल जो है वो ए वन लेवल है तो इतना बड़ा फ्रेंच का लेवल नहीं होना चाहिए मेन ज़रूरी है प्रैक्टिस फला ये थी सक्सेस स्टोरी नंबर वन आई होप कि आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आया होगा अगर आया है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा या मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा मैक्सीम को याद खेफान तो वाह